एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वाइफ ऑन ड्यूटी। मैं हूं रश्मि। गाइस कैसे हो आप सब? गाइस आज आप अच्छे से जानते हो कि वायरस कितना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है ना। तो चाहे वायरस कोई भी हो, लेकिन आप उससे लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो। किससे फाइट करोगे? आप अपनी इम्यूनिटी के साथ फाइट कर सकते हो। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो आप किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में एकदम से जो है ना सक्षम होते हो। तो अपने इम्यून सिस्टम को सबसे पहले हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, जिसको बनाकर पियोगे अगर आप, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी होगी, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाओगे, आपको जल्दी कोई भी बीमारी नहीं होगी, ठीक है। और आजकल तो कोरोना का ही इतना ज़्यादा कहर है, उसी का ही डर बहुत ज़्यादा है मन में। तो आप यही मान लो कि कोरोना से फाइट करनी है, तो अपनी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम, अगर आपकी इम्यूनिटी स् ट्रांग है, तो आप किसी भी बीमारी से बड़े ही बेखौफ होकर लड़ सकते हो। तो आपको जो है ना डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको एक बढ़िया सा इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक बताऊंगी मैं कैसे बना सकते हो, केवल एक इंग्रेडिएंट की हेल्प से, ठीक है। केवल एक इंग्रेडिएंट, एक ऐसी चीज है वो, जिसको मैं इस काढ़े को बनाने के लिए, इस ड्रिंक को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाने वाली हूँ। देख लीजिएगा वो क्या है और कैसे इस ड्रिंक को आपने पीना है, कब कब पीना है, कैसे फॉलो करना है, सारी डिटेल आगे आपको वीडियो में पता चलेगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। गाइज ये है डॉक्टर जुनेजा का तुलसी मंत्रा आयुष काढ़ा, जो कि 100% बढ़िया है, आयुर्वेदिक है। 20% एक्स्ट्रा आपको इस पैकेजिंग में मिलेगा। ये असल में एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। 120 ग्राम की इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये प्रोडक्ट रिसीव होगा। इसके अंदर आपको मिल रही है तुलसी, दालचीनी, शुंठी और कृष्णा मिर्ची। ये सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो ये जो आयुष काढ़ा है, ये आपके अंदर जो है ना रोगों से लड़ने की क्षमता को तो बढ़ाएगा ही, बल्कि साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट ही ऐसे हैं। तुलसी मंत्रा काढ़ा है तो तुलसी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करती है। तो ये काढ़ा जो है ना, MRP इसका 136 है। आप बाइंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कीजिएगा, वहाँ से आपको एग्जैक्ट प्राइस इसकी पता चल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इस काढ़े को हमने कैसे बनाना है। इस काढ़े को बनाने के लिए आपने गैस पर एक पैन रखना है और इस पैन में आपने 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। आपने यहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी है 150 ml के करीब लेनी है, जो कि 1.5 गिलास तक बनती है। और इसके अंदर आपने ये आयुष काढ़ा जो है ना, इसको ऐड करना है। इस तरह से ये आपको मिलेगा। आप देख सकते हो ड्राई फॉर्म में है, काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट इसमें मिक्स किए हुए हैं और खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी है। आपने 1 से 1.5 चम्मच के करीब जो है ये आयुष काढ़ा जो है पानी के अंदर ऐड कर देना है, जो कि अगर बताऊं तो 5 to 8 ग्राम की क्वांटिटी होगी 1.5 चम्मच के करीब, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको 4 से 5 मिनट तक बॉईल करना है। 4 से 5 मिनट तक अगर आप इसको बॉईल करोगे तो इतनी देर में आपका ये काढ़ा रेडी हो जाएगा। और टेस्ट को बढ़ाने के लिए, अगर आपको लगता है कि ये काढ़ा आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप इसमें टेस्ट के लिए जो है शुगर ऐड कर सकते हो। शुगर में आप गुड़ यानी कि जैगरी ऐड करो, शहद ऐड कर सकते हो, नींबू का रस ऐड कर सकते हो। तो बस इसमें से कोई भी चीज़ ऐड कर लीजिए और आपका काढ़ा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। और साथ साथ आजकल जो इतना वायरस चल रहा है गाइस, उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, अब इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो आप किसी भी बीमारी से फाइट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। गैस को मैंने बंद कर दिया है और गैस बंद करने के बाद मैं इसको जो है एक कंटेनर के अंदर, एक गिलास के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। ये काढ़े को मैंने ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया है, आप देख सकते हो। आपने इसको स्ट्रेन करके ही डालना है, यानी कि छान के डालना है। इसके बाद मैं यहाँ टेस्ट को बढ़ाने के लिए हनी ऐड कर रही हूँ, यानी कि शहद का 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप गुड़ भी ऐड कर सकते हो, नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बस आपने इसको स्पून की हेल्प से मिक्स कर देना है और आपने इस काढ़े को दिन में 1 से 2 बार पी सकते हो, ठीक है। या तो मॉर्निंग में भी पी लो और इवनिंग में पी लो, और आपकी मर्जी। अगर आप एक बार पीना चाहते हो दिन में, तो आप एक बार पीजिए। आप
इसको डिवाइड करके भी पी सकते हो। जितनी क्वांटिटी में हमारा ये रेडी हुआ है, अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको दिन में दो बार पी सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे बाइंग लिंक दिए हुए हैं, बाइंग लिंक पर क्लिक कीजिए और इसे आप ऑर्डर कर सकते हो और आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हो। तो मिलूंगी आपको फिर से एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।